हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द स्टडी आई क्यू। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे क्वांटिटेटिव कंपैरिजन का सेट नंबर 4। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या गिवन है और आप हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं जो कि अवेलेबल है इन सब कोर्सेज के लिए। अगर आपको इनके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप हमारी वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ओके। सो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है इसने, क्वांटिटी 1 क्या दी हुई है। इफ़ द रेशियो ऑफ थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रैंगल ऑफ अ राइट ट्रैंगल इज इतना, ओके, एंड द एरिया ऑफ ट्रैंगल इज 96 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रैंगल। ओके, उसने हमसे क्या बोला कि तीन साइड्स का रेशियो दिया हुआ है हमें एक राइट एंगल ट्रैंगल का। ठीक है, तीन साइड्स का रेशियो क्या है, 3:4:5, और किसकी बात हो रही है, राइट एंगल ट्रैंगल की बात हो रही है। ठीक है, तो इस राइट एंगल ट्रैंगल में अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो वो किस तरीके से लग सकता है। इसको मान लेते हैं कितना है, ये 3x है, ये 4x है और ये 5x है। इन दैट केस ये है मान लिया 3x और ये कितना 4x, तो ये कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट में कितना हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर हम एरिया निकाल सकते हैं ना, हाफ बेस इंटू हाइट, मतलब ये इंटू ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास ये हो जाएगा 12x स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 6x स्क्वायर। ये बराबर किसके होगा, 96 के, मतलब क्या ये कितना हो गया आपके पास, 16। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू आई 4। फाइन, मतलब क्या, x की वैल्यू अगर 4 आई है इन दैट केस हमें लॉन्गेस्ट साइड निकालनी है, तो लॉन्गेस्ट साइड कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी, मतलब क्या 5 × 4 कितनी होगी, 20 हो गई। ठीक है, मतलब क्या पहली वैल्यू आपके पास कितनी आई, 20 आई। ठीक है, सेकेंड वैल्यू को देखते हैं। देखिए उसने क्या बोला, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल ए इज 132 सेंटीमीटर। ओके, उसने क्या बोला कि एक सर्कल है हमारे पास ए, उसका पेरीमीटर कितना, ये है पेरीमीटर मतलब सर्कमफ्रेंस, तो 2πr कितना दिया है, 132। ठीक है, और उसने क्या बोला, द एरिया ऑफ ट्रैंगल बी इज इतना, सॉरी सर्कल बी इज इतना। ओके, और जो एरिया है दूसरे सर्कल का वो कितना दिया है यहाँ पर, मतलब पाई आर स्क्वायर, वो बराबर किसके, 154 के, अगर ये रेडियस है बी, ये रेडियस है ए। ठीक है, उसने कहा फाइंड द सम ऑफ रेडियस ऑफ सर्किल ए एंड सर्किल बी, दोनों सर्किल की जो रेडियस है उसका हमें क्या पता करना है, सम पता करना है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 × 22/7 × RA = 132। ये गया 11 से 2 टाइम्स, ये गया 11 से 1 और 2 टाइम्स। ठीक है, ये गया 3 टाइम्स, तो हमारे पास RA कितना आया, 21। सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 22/7 × RB² = 154। ये गया 2 टाइम्स, ये गया 1 और 4 टाइम्स, ये गया 7 टाइम्स, तो आर की वैल्यू कितनी आई, R² B = 7×7, मतलब आर बी कितना हो गया आपके पास, हो गया 7। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा, 28 आएगा। तो सेकंड वैल्यू आपके पास कितनी आई, 28। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1। ठीक है, समझ में आया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंपल है, टू कंप्लीट द वर्क वाइल वर्किंग अलोन ए बी एंड सी टेक्स 15, 12 and 20 days रिस्पेक्टिवली। ओके, एक काम को कंप्लीट करने के लिए अलग अलग ए 15 दिन लेता है, बी 12 दिन लेता है और सी 20 दिन लेता है। ठीक है, उसने हमें ये चीज़ बता दी है। उसके बाद क्वांटिटी 1 क्या दी हुई है, सबसे पहले तो इसी को लिख लेते हैं। देखिए ए बी और सी, ए कितने दिन, 15, बी कितने दिन, 12 और सी कितने दिन, 20। इन सब का एलसीएम कितना देगा, 60। उसके बाद एफिशिएंसी 4, ये हो जाएगी 5 और ये हो जाएगी 3। ठीक है, अब क्वांटिटी 1 क्या दी हुई है, उसने हमसे बोला है नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क व्हेन ए बी एंड सी वर्क टुगेदर गिवन दैट सी इज डिस्ट्रॉइंग द वर्क एट द सेम रेट एट विच ही वॉज सपोज टू कंप्लीट द वर्क। ओके, उसने क्या बोला कि नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे, कब, जब तीनों काम करें लेकिन सी काम को क्या कर रहा है, वो डिस्ट्रॉय कर रहा है उसी रेट से जिस रेट से वो उसको बना रहा था, मतलब 3 की रेट से ही। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए प्लस बी माइनस सी। ठीक है, ए क्या कर रहा है, ए बना रहा है, बी क्या कर रहा है, वो भी बना रहा है, लेकिन सी क्या कर रहा है, उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। ये तीनों मिलकर कितने टाइम में टोटल वर्क कर पाएंगे, तो देखिए ए प्लस बी मतलब 9 − 3 × t, ये आपको फाइंड आउट करना है, 60। तो t कितना है आपके पास, 10 आया ना। ठीक, ओके, उसके बाद देखिए सेकेंड क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क व्हेन ए एंड बी वर्क टुगेदर एट हाफ देयर कैपेसिटी, ओके, एंड बोथ आर रिप्लेस्ड बाय सी
एवरी ऑल्टरनेटिव डेज. ओके, उसने क्या बोला कि कितने दिन लगेंगे इनको काम करने में, कब, जब ए और बी साथ में काम करें अपनी एफिशिएंसी के आधी एफिशिएंसी से. मतलब क्या, ए प्लस बी साथ में काम करें लेकिन जो उनकी एफिशिएंसी है उससे आधी एफिशिएंसी से, ठीक है. और दोनों रिप्लेस हो जाते हैं किससे, सी से, ऑल्टरनेटिव डेज. मतलब क्या, पहले दिन ये काम करेंगे, दूसरे दिन सी काम करेगा, फिर उसके बाद फिर से ए प्लस बी काम करेंगे अपनी हाफ एफिशिएंसी से, फिर दोबारा सी काम करेगा, ठीक है. तो अगर मैं देखूं दो दिनों में इतना काम हो रहा है ना, तो टू डेज में ये कितना काम कर रहे हैं, ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 9/2 मतलब 4.5, प्लस सी कितना काम करेगा, 3, मतलब कितना, दो दिन में कितना काम हो रहा है, 7.5 यूनिट्स हो रहा है, ठीक है. अब हमें क्या करना है, टोटल वर्क करना है. मतलब क्या, हमें कितना काम करना है, 60 करना है. तो इसको कितने दिन लगेंगे, दो दिन में 7.5 यूनिट काम हो रहा है, तो कितने दिनों में 60 हो जाएगा. इसमें मैं करूँ मल्टीप्लाई किसका, 8 का, तो ये कितना जाएगा, 60 हो जाएगा. मतलब क्या, इंटू 8, ये कितना जाएगा हमारे पास, 16 डेज. तो 16 डेज में वो इतना काम करेगा. अब देखिए, पहले आपके पास कितना था, 10 डेज, अब आपके पास कितना है, 16 डेज. इसका मतलब क्या है कि क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1, ठीक है, समझ में आया ना. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने बोला है कि ए बी एंड सी एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप एंड इन्वेस्टेड रुपीज 2000, 3000 एंड 4000 रिस्पेक्टिवली. ओके, ए बी और सी ने एक पार्टनरशिप में इन्वेस्ट किया 2000, 3000 और 4000, ठीक है. मैंने इनका रेशियो ले लिया है. उसके बाद देखिए उसने कहा क्वांटिटी 1 में कि आफ्टर 4 मंथ्स ए इन्वेस्टेड रुपीज 1000 मोर एंड बी एंड सी बोथ विदड्रॉज रुपीज 1000 ईच. ओके, उसने क्या बोला कि 4 महीने के बाद, मतलब क्या, ए बी और सी, ठीक है, ये 2 × 4 मंथ्स, 3 × 4 मंथ्स, 4 × 4 मंथ्स, ठीक है, 4 महीने के बाद ए ने क्या करा, ए ने 1000 रुपये और इन्वेस्ट कर दिए. अगर 1000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए, मतलब अब वो कितना कर रहा होगा, 3, ठीक है. और उसके बाद बी और सी ने क्या करा, विदड्रॉ कर लिए 1000, मतलब क्या, पहले भी कितना कर रहा था, 3 कर रहा था, अब 1000 उसने विदड्रॉ कर लिया, मतलब अब वो कितना करेगा, 2 करेगा. सिमिलरली सी, पहले वो कितना कर रहा था, 4 कर रहा था, 1000 उसने विदड्रॉ कर लिया, अब वो कितना करेगा, 3 करेगा, ठीक है. अब उसने क्या बोला, इफ द वैल्यू ऑफ बी शेयर इज रुपीज इतना, व्हाट इज द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर. ओके, एक साल के बाद हमें ये बताना है कि टोटल प्रॉफिट क्या होगा, कब, जब बी का शेयर कितना है, 7000 है, ठीक है. इसका मतलब क्या, यहाँ पर 4 मंथ्स, तो आगे 8 मंथ्स, 8 मंथ्स, 8 मंथ्स, यहाँ पर अगर मैं रेशियो लूँ, दो ये 2 टाइम्स, ठीक है, ये कितना हो गया, 2 + 6, ये कितना हो गया, 3 + 4, ये कितना हो गया, 4 + 6, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 8, 7, ये कितना हो गया, 10, ठीक है. तो यहाँ देखो इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 7000 दी हुई है. फाइन, हमें क्या निकालना है, टोटल, मतलब क्या, ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 25, तो 25000 हो जाएगा, ठीक है. इसका मतलब क्या है, टोटल प्रॉफिट कितना है, 25000 है, क्लियर है. उसके बाद अगर मैं सेकंड क्वांटिटी देखूं, सेकंड उसने क्या बोला है, आफ्टर 4 मंथ्स ए इन्वेस्टेड रुपीज 2000 मोर एंड सी विदड्रॉ 1000, इफ बी शेयर इज रुपीज 9000, व्हाट इज द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर. ओके, उसने क्या बोला कि अगर 4 महीने के बाद ए 2000 और इन्वेस्ट कर देता है, मतलब वही चीज़, देखिए अगर मैं यहीं पर करूँ तो 4 मंथ के बाद वो 2000 और इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब अब वो कितना करेगा, 4, ठीक है. और बी का उसने कुछ नहीं बताया, सी का 1000 वो क्या कर रहा है, वो विड्रॉ कर रहा है, मतलब क्या, 4 मंथ तक इतना, और उसके बाद 1000 अगर वो विड्रॉ कर ले रहा है तो 3 हो गया, ठीक है. और एक साल के बाद की बात करिए, इसका मतलब इंटू एट और ये इंटू 12, ठीक है. अगर मैं यहाँ पर रेशियो लूँगा तो देखिए, ये गया 2 टाइम्स, ये गया 3 टाइम्स, ये गया 2 टाइम्स, ठीक है. ये कितना हो गया आपके पास, ये हो गया 8, 10, ये हो गया 9, और ये कितना हो गया, 6 और 4, 10, ठीक है. इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 9000 दी हुई है. हमें क्या निकालना है, टोटल ना, टोटल कितना हो जाएगा, 29, तो ये कितना हो गया, 29000 हो गया. तो देखिए पहली क्वांटिटी आपके पास कितनी थी, 25000, सेकंड क्वांटिटी आपके पास कितनी है, 29000. इसका मतलब क्या है कि Q2 इज ग्रेटर देन Q1, ठीक है, क्लियर है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या गिवन है, उसने बोला है द रेडियस एंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर आर इन द रेशियो ऑफ 7:12. ओके, उसने क्या बोला कि जो रेडियस है और हाइट है, फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, रेडियस और हाइट का जो रेशियो दिया हुआ है वो 7:12 दिया हुआ है. और उसने क्या बोला है, द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज इतना सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, उसने क्या बोला कि जो टोटल सर्फेस एरिया है वो बराबर किसके, 20900 के. टोटल सर्फेस एरिया क्या होगा, वो होगा आपके पास 2 पाई आर
आर प्लस एच, ठीक है, इसकी वैल्यू किसके बराबर दी हुई है, 20900 के बराबर। उसने हमसे क्या बोला है, व्हाट इज द सम ऑफ द रेडियस एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। ओके, हमें बताना है रेडियस प्लस हाइट कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ आपके पास रेशियो गिवन है ना 7 और 12, तो 2 × 22/7 रेडियस को आप क्या लिख लीजिए 7x, और यहाँ पर ये दोनों ऐड होकर कितने हो जाएंगे 19x इज इक्वल्स टू 20900। देखिए ये कितने टाइम्स, ये आपसे जाएगा 1100। फाइन, उसके बाद ये से कैंसिल आउट हो गया, उसके बाद यहाँ पर क्या बचा, ये देखिए ये गया 2 टाइम्स, ये गया 100 और ये हो गया कितना 25। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपके पास 25, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास 5, ठीक है। अगर एक्स की वैल्यू 5 है तो 19x ये कितना हो जाएगा आपके पास 19 × 5, मतलब ये कितना हो गया आपके पास 95 हो गया, ठीक है, समझ में आया ना। सेकेंड क्वांटिटी क्या दी हुई है, उसने हमसे बोला है द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज इतना। ओके, एक स्फीयर का वॉल्यूम दिया हुआ है कितना 310464। ओके, और उसने बोला व्हाट वुड बी द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर। ओके, हेमिस्फीयर का रेडियस कितना होगा हैविंग रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ द स्फीयर। ओके, उसने हमसे क्या बोला, हमें रेडियस पता कर रही है किसकी, हेमिस्फीयर की, जिसकी रेडियस जो हमारे पास स्फीयर है उसकी रेडियस की आधी है। मतलब क्या, अगर मैं इस वॉल्यूम की बात करूँ तो वॉल्यूम बराबर इसके होगा 4/3 × π r³ के बराबर होगा ना, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, देखिए ये गया 11 से 2 टाइम्स, 11 से गया कितने टाइम्स 2, और उसके बाद ये कितना बचा आपके पास 8, ठीक है, फिर 2, फिर 2 और फिर 4, ठीक, उसके बाद ये गया 14112, उसके बाद और भी कैंसिल आउट हो सकता है। अगर मैं इसको कैंसिल आउट करता हूँ तो ये गया देखिए कितने टाइम्स 3 टाइम्स, ओके 21, 5 टाइम्स 11, 2 टाइम्स 8 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँगा आर क्यूब की वैल्यू कितनी आई, वो है आपके पास 3528 × 3×7। अब आपको पता क्या करना है, आपको पता करनी है वैल्यू किसकी, आर बाई टू की, ठीक है, इसी की तो वैल्यू पता करनी है। अगर आपके पास आर क्यूब इतना है तो आर बाय टू क्यूब कितना होगा, अगर मैं इसकी बात करूँ तो 3528 × 3×7/8 इसके बराबर होगा ना। अगर मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करता हूँ 4 टाइम्स, ठीक है, 4 टाइम्स और 1, ये आपके पास आया, इसको आप क्या लिख सकते हैं 21 × 21, और ये आपके पास कितना 21। तो यहाँ से r बाय टू क्यूब किसके बराबर हो गया 21 के क्यूब के बराबर, मतलब क्या r बाय टू किसके बराबर हो गया 21 के बराबर, ठीक है, ये चीज़ समझ में आई ना। अब देखिए आपके पास इसकी वैल्यू कितनी थी 95 और इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास 21, इसका मतलब क्या है क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसने क्या बोला है, अ बोट कैन ट्रेवल 300 किलोमीटर्स अप स्ट्रीम एंड देन डाउन स्ट्रीम इन द टोटल टाइम ऑफ 15 आवर्स, ओके, इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 15 किलोमीटर्स पर आवर, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। ओके, उसने पहली क्वांटिटी क्या दी है, उसने बोला है कि एक बोट है वो 300 किलोमीटर्स अप स्ट्रीम में ट्रेवल करता है, ठीक है, और डाउन स्ट्रीम आता है, मतलब क्या वो 300 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम भी आता होगा, ठीक है, टोटल कितने टाइम में, टोटल टाइम वो लेता है 15 आवर्स। ओके, उसने क्या बोला, इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 15 किलोमीटर्स पर आवर, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। ओके, उसने क्या बोला कि अगर एस की वैल्यू कितनी है 15 किलोमीटर्स पर आवर है, हमें क्या बताना है बी की वैल्यू कितनी होगी, मतलब क्या स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर हमें फाइंड आउट करना है। तो ये किस तरीके से कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर देखूँ आपके पास टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गया 600, ठीक है, उसके बाद टोटल टाइम कितना हो गया 15 आवर्स, ये बराबर किसके होगा एवरेज स्पीड के बराबर, एवरेज स्पीड बराबर किसके हो जाएगी ट्वाइस एस यू इंटू एस डी डिवाइडेड बाई एस यू प्लस एस डी, ठीक है, ये कितना हो गया आपके पास 40, या फिर मैं इसको कैंसिल आउट कर सकता हूँ 20 इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा बी माइनस एस कितना है 15, बी प्लस एस मतलब 15 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा 2b, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 40b इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 225 हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो देखिए बी स्क्वायर माइनस 40b माइनस 225 इज इक्वल्स टू 0 हो गया ना। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आएगी, देख लीजिए 225 मुझे ब्रेक डाउन करना है किसमें 45 × 5, मतलब क्या 45 और 5 का मैं यूज़ कर सकता हूँ,
ये माइनस, ये प्लस, ठीक है, डिवाइडेड बाय वन, डिवाइडेड बाय वन, ये कितना हो जाएगा 45। इसका मतलब क्या है कि बी की वैल्यू कितनी है आपके पास, 45 किलोमीटर्स पर आ रही, ठीक है, बी की वैल्यू आपके पास 45 किलोमीटर्स पर आ रही, क्लियर है, मतलब पहली वैल्यू आपको पता चल गई। अच्छा सेकेंड वैल्यू देखिए, सेकेंड वैल्यू में क्या दिया हुआ है, उसने बोला द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट पी एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 5:1। ओके, मतलब क्या, बी अपॉन एस, इसकी वैल्यू कितनी दी है, 5:1 दी हुई है। और उसने ये बोला कि इफ़ अ बोट कैन ट्रेवल 480 किलोमीटर्स ट्रेवलिंग अप स्ट्रीम इन 12 आवर्स, देन वॉट इज द सम ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट एंड द स्ट्रीम। ओके, उसने ये बोला कि अगर एक बोट अप स्ट्रीम में 480 किलोमीटर्स कवर करती है, ठीक है, कितने आवर्स में, 12 आवर्स में, मतलब क्या, यहाँ से स्पीड आ जाएगी अप स्ट्रीम में कितनी, 40, ठीक है, और अप स्ट्रीम बराबर किसकी होती है, अप स्ट्रीम बराबर होती है बी माइनस एस के। तो इसका मतलब क्या है कि 4x इज इक्वल टू किसके होगा, 40 के, मतलब x बराबर किसके होगा, 10 के, तो यहाँ से इन दोनों का सम मतलब 6x, तो वो बराबर किसके हो जाएगा, 60 के हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, सेकेंड वैल्यू आपके पास कितनी है, 60 आई, पहली वैल्यू आपके पास कितनी थी, 45 थी, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि Q2 इज ग्रेटर देन Q1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसने हमसे क्या बोला है कि M एंड N कैन कंप्लीट अ टास्क इन 40 डेज एंड 25 डेज रिस्पेक्टिवली व्हाइल वर्किंग अलोन। ओके, M वर्क्स फॉर 10 डेज एंड N वर्क्स फॉर नेक्स्ट 5 डेज। ओके, इफ दे कंटिन्यू वर्किंग इन दिस पैटर्न देन इन हाउ मेनी डेज कैन दे कंप्लीट द वर्क। ओके, सो क्वांटिटी वन क्या दी हुई है, उसने हमसे बोला है कि M और N एक काम को 40 और 25 डेज में कंप्लीट करते हैं। M 40 डेज लेता है और N 25 डेज लेता है, ये आपके पास टाइम गिवन है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो मेरे पास कितनी वैल्यू आएगी, 200, ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 8, ये आपके पास एफिशिएंसीज आ गई। अब उसने क्या बोला कि एम काम करता है 10 दिन, फिर उसके बाद एन काम करता है 5 दिन, मतलब क्या, एन काम करता है कितने दिन, 10 दिन, फिर उसके बाद एन काम करता है कितने दिन, 5 दिन। ओके, और इसी तरीके से काम करते रहते हैं, ठीक है, तो हमें बताना है कि कितने दिनों में ये टोटल वर्क कर लेंगे, कितना, 200, ठीक है। तो देखिए अगर M 10 दिन काम करेगा, इसका मतलब वो कितना काम कर लेगा, 5 × 10 50 यूनिट्स कर लेगा, ठीक है, और अगर N 5 दिन काम करता है, इसका मतलब 8 × 5 40 यूनिट्स कर लेगा, ठीक है। तो इन 15 दिनों में कितना काम हुआ, 15 डेज में 90 यूनिट काम हुआ, इसका मतलब 30 डेज में 180 यूनिट्स काम होगा। अब काम बचा कितना, 20 यूनिट्स बचाना, और अब काम करने कौन आएगा, अब काम करने M आएगा, ठीक है, तो M कितने दिनों में ये बाकी का बचा हुआ काम कर लेगा। M देखिए एक बार में कितना काम करता है, 5, दिन टू टी इज़ 20, टी कितना है आपके पास, 4, तो टोटल डेज कितने लगे इसको, 30 + 4 मतलब 34 डेज, तो पहली वैल्यू कितनी है आपके पास, 34, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वांटिटी 2 कितनी दी हुई है, अब उसने बोला द सम ऑफ नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए बी एंड सी टू कंप्लीट अ वर्क इज 90 डेज। ओके, उसने क्या बोला कि जो सम है किसका, नंबर ऑफ डेज का, ए प्लस बी प्लस सी का, वो कितना दिया हुआ है, 90 डेज दिया हुआ है, ठीक है, व्हाइल वर्किंग इंडिविजुअली। ओके, और उसके बाद इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए बी एंड सी इज इतना इतना एंड इतना, देन इन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट द वर्क वर्किंग टुगेदर। ओके, और उसने यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर उसने इंडिविजुअल डेज की रेशियो दिया हुआ है। तो हम ये किस तरीके से निकाल सकते हैं, देखिए ये सब मिलकर किसके बराबर है, इसके बराबर है, मतलब क्या, 18 बराबर किसके है, 90 के है, तो ए कितने दिन लेगा, इंटू 5 है ना, ए देगा 15 डेज, बी कितने लेगा, 25 डेज, और सी कितने लेगा, 50 डेज लेगा, ठीक है। इन सब का अगर मैं एलसीएम निकालूंगा तो इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा, 150, ये कितना हो गया 10, ये कितना हो गया आपके पास 6, ये कितना हो गया 3, ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि अगर ये सब मिलकर काम करेंगे तो कितने दिनों में काम को कंप्लीट कर लेंगे, तो 150 डिवाइडेड बाय 90 डेज में काम को कंप्लीट करेंगे। अब देखिए पहली वैल्यू आपके पास इतनी है, दूसरी वैल्यू आपके पास ये है, तो यहीं से आपको पता चल गया क्या कि Q1 इज ग्रेटर देन Q2, ठीक है, समझ में आया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी 4 ईयर्स अगो वॉज 8:5। ओके, एंड द रेशियो ऑफ ए एंड बी 10 years from now would be 23:17. Okay, what is the sum of the present age of A and B? Okay, so quantity 1 में क्या दिया हुआ है, उसने हमसे बोला है कि A और B की जो एज का रेशियो है 4 साल पहले, मान लेते ये है प्रेजेंट, ठीक है, 4 साल पहले वो कितना दिया हुआ है, 8:5 दिया हुआ है, और 10 साल के बाद, प्रेजेंट से 10 साल के बाद जो A और B है उनकी एज का रेशियो कितना दिया हुआ है, 23:17 दिया हुआ है,
ठीक है, हमें ये बताना है कि उनकी प्रेजेंट एज का सम क्या होगा। तो इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए अगर मैं यहाँ पर देखूँ इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 15, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 12। ये दोनों डिफरेंसेज जब हैं अगर सेम करने हैं तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों के बीच के डिफरेंस कितना है 3, इसका मल्टीप्लाई कराइए 3 से। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 6, इसका मल्टीप्लाई कराइए 6 से। ये कितना हो जाएगा आपके पास 48 रेशियो 30, ये कितना हो जाएगा आपके पास ये हो जाएगा 69 रेशियो 51। अब दोनों में अगर मैं डिफरेंस देखता हूँ तो ये कितना हो गया आपके पास 1221, ये भी कितना हो गया आपके पास 21। ठीक है, यही हमें करना था। अब देखिए ये 21 बराबर किसके हैं इन 14 ईयर्स के, 21 बराबर किसके हैं 14 ईयर्स के। ठीक है, आपको क्या निकालना है, आपको प्रेजेंट एज निकालनी है ना, तो ये काम करता हूँ मैं 4 साल पहले इनकी टोटल एज निकाल लेता हूँ। 4 साल पहले इनकी टोटल एज कितनी थी 78। ठीक है, तो 14 डिवाइडेड बाय 21 इंटू 78 ये कितना हो जाएगा, ये गया 2 टाइम्स, ये गया 3 टाइम्स, ये गया 2 टाइम्स, ये गया 6 टाइम्स, कितना आया 52। 4 साल पहले इनकी जो एज थी टोटल वो कितनी थी 52, तो प्रेजेंट में मतलब 4 साल के बाद कितनी हो जाएगी 52 प्लस 8 60 हो जाएगी। ठीक है, तो Q1 की वैल्यू कितनी आई 60। अच्छा Q2 देखते हैं, देखिए Q2 उसने क्या बोला है, द एवरेज एज, द एवरेज ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए बी एंड सी इज इतना। ओके, मतलब क्या ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3 कितना दिया है 30 दिया है, और उसने क्या बोला है कि ए एंड बी आर 18 एंड 6 ईयर्स एल्डर टू सी। ओके, उसने क्या बोला कि ए सी से कितना बड़ा है 18 ईयर्स, और बी सी से कितना बड़ा है 6 ईयर्स। इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ना कि सी प्लस 18 प्लस सी प्लस 6। ठीक है, मैंने ए और बी की वैल्यू को चेंज कर दिया, प्लस सी डिवाइडेड बाई 3 इजिकल्स टू 30। ठीक है, यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो 3C इजिकल्स टू 90 माइनस 24 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये कितना हो गया आपके पास 6 और 6, तो C की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 22 आएगी। ठीक है, अब उसने हमसे पूछा क्या था कि व्हाट इज द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, तो ए और बी का एज कितना हो जाएगा, देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर किसके 90 के है ना। ठीक है, सी की वैल्यू कितनी है 22, तो इसमें से अगर मैं 22 को सब्सट्रैक्ट करता हूँ ये कितना हो जाएगा आपके पास 8, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 868। ठीक है, तो सेकंड वैल्यू कितनी है आपके पास 68, पहली वैल्यू आपके पास कितनी थी 60, सेकंड वैल्यू आपके पास कितनी है 68, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा Q2 इज ग्रेटर देन Q1। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा ना, थैंक यू सो मच।